हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का क्रिसमस आ रहा है अभी आगे 3 दिन में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कि हम लोग कुछ एक क्रिसमस ट्री लेके आएंगे, अगर ट्री मिलता है इधर तो, और कुछ डेकोरेशन के लिए हम लोग कुछ सामान लेके आएंगे, जो कि कुछ स्टार वाला रहता है और जो छोटा छोटा बॉल रहता है वो सब उधर लगाने के लिए ट्री में। तो चले गए, जब भी हम लोग चलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ। पता लग करता है ना, मैंने इवडे कितना कि नंबर एटा 250 रुपया का से कोटा 150 रुपया का तापो एटा 80 रुपया तापो का 60 से पूरा पछडा 250 टा साइड पूरा से इनी के इवडे कते ए छोटा वडा है ना 80 टा इवडे 80 टा ए इवडे एडा कते दिन लागे वडा हो 3 वर्ष बड़ा गच है ना ना हाँ ठीक है, चल मार्केट देख। तो गाइस अभी हम एक दुकान पे पूछे जहाँ पे हम लोग का था वो, बट वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा बता रहा था। तो अभी हम लोग कोई दूसरा दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं, इधर और एक दुकान है उधर पूछते हैं कि रेट क्या है कैसा है, नहीं तो हम प्लास्टिक का भी ट्री देखने हम जाएंगे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा दूसरा दुकान है, अभी इधर पूछते हैं। मैंने ये जो क्रिसमस ट्री कहते हैं तो छोटो गुड़ा अच्छे ये बड़ा वाला क्रिसमस ट्री ये सब कहते हैं ना टिके बड़ा दरकार सब कहते तो सही साइज रे अच्छी आ एडा तो सही साइज रे अच्छी आ नहीं नहीं सेटा बोल के तो गाइज अभी इधर जो हम लोगों का पेड़ था तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, 400 बोल रहे हैं, बट हमारे घर में इससे भी बड़ा एक है तो हम सोच रहे हैं कि उसी से ही काम चला लेंगे, उसी को थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो अभी के लिए इधर से निकलते हैं, हम लोग डेकोरेशन का सामान खरीदने जाते का 10 बज रहा है और अभी हम लोग सब काम धाम खत्म करके अभी आ गए हैं हमारा क्रिसमस ट्री का थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्री। और तो हम लोग क्या किए हैं, ये जो ग्रीन क्राफ्ट का जो पेपर देख रहे हो तो उससे 3-4 लाए ताकि ये जो एरिया है पूरा, तो इसको हम लोग क्राफ्ट पेपर में पूरा कवर करेंगे। और ये हम लोग का एक बाल्टी है जिसको मैंने वो भी क्राफ्ट पेपर से ढक दिया है, तो फ्रंट वाला साइड ढक दिया है। और ये हम लोग का एक बरगंडी कलर का एक पेपर है, तो इसके ऊपर ये वाला हमारा क्रिसमस ट्री इसके ऊपर लगेगा। और अभी हम लोग का ये आप देख सकते हैं लीचू लाइट है,
रेड कलर का लीचू लाइट अभी हम लोग लगा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो गाइस ये आप देखिए, तो अभी ये हम लोगों का लीचू लाइट लगाने के बाद ये अभी ऐसा दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों का और भी कुछ डेकोरेशन बाकी है जो कि हम अभी करेंगे। तो चलिए पहले इसको उसके जगह पर रख देते हैं उधर, और उसके बाद हम लोग बाकी डेकोरेशन करते हैं। तो अभी हम लोगों का पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, और इसको हम लोग ने क्रिसमस ट्री को इधर आके अपने जगह पर रख दिया है जहाँ पर हम लोगों का रखना था। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा ट्री है ये हम लोगों का प्लास्टिक से बनाया गया है, और इसमें हम लोग छोटा छोटा ऐसे बल्ब लगाए हैं, ये जो डेकोरेशन का बल्ब आता है, और इसके बीच में हम लोग ने लीचू लाइट लगा दिया है जो वायर को पूरा अंदर से घुसा के इसको लगा दिया है। और ये हम लोगों का कुछ डेकोरेशन आइटम है, और एक ग्रीन पेपर है। तो ये ऊपर एक क्रिसमस का कैप लगाया गया है। तो चलिए अभी हम लोग लाइट अप करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो मैं अभी लाइट अप करता हूँ पहले, तो आप देखिए ये पहला लाइट, दूसरा लाइट। तो अभी आप देखिए, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी उसको लाइट अप करता हूँ क्रिसमस ट्री को। ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा। तो ये जगह पे ये मस्त लग रहा है, और हम लोग ने प्लान किए हैं ये जो नीचे का पार्ट है ये एरिया पूरा बलून से भर देंगे हम लोग, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइज, यही था हम लोगों का क्रिसमस ट्री। तो हम लोग फिर अगर होगा तो क्रिसमस के डे हम लोग और एक ब्लॉग बनाएंगे अगर हो सकेगा तो, अगर कहीं घूमने गए तो। डेकोरेशन का पार्ट इतना ही था, और बस बैलून का पार्ट इधर नीचे लगाना है। तो चले गए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।